हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज का जो टॉपिक है कि गाड़ी को ऐसे एज इट इज़ रिवर्स करके घर में कैसे खड़ी कर सकते हैं, आप कैसे आप गाड़ी को अच्छे तरीके से पार्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये जो अभी घर है यहाँ काफ़ी टाइट स्पेस है, इसमें दो ऑप्शन है, या तो आप गाड़ी को ऐसे लेके आओ और ऐसे करके इसमें पार्क करो, तो उससे होगा क्या कि ये वाला स्पेस है ना ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर आप गाड़ी को पार्क कर दोगे लेकिन गेट नहीं बंद हो पाएगा। अगर आपकी टाइट पार्किंग रहती है तो उस सिचुएशन में मैं जनरली क्या करता हूँ कि गाड़ी को रिवर्स करके पार्क करता हूँ। रिवर्स करके पार्क करने का मेरा तरीका है, वो आपको अभी दिखाता हूँ। अभी हमारे सब्सक्राइबर मित्र हैं, उन्होंने भी पूछा था कि आप रिवर्स करते हो तो कैसा रहता है, इसमें इसके पार्किंग सेंसर्स कैसे काम करते हैं, तो उन सब चीज़ों को भी हम देखेंगे। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आप अपनी ड्राइवर साइड को ध्यान में रखें, कंडक्टर साइड कहते हैं ना, को ड्राइवर साइड, वो अपने आप ठीक हो जाती है, बस आप अपनी ड्राइवर साइड का ध्यान रखें और कुछ भी नहीं। आप यहाँ पे अगर स्पेस दबा के रखेंगे तो उस तरफ अपने आप स्पेस अच्छे से मैनेज हो जाएगा। यहाँ जैसे ही मैं रिवर्स का गियर लगाता हूँ, बैक साइड की रिवर्स पार्किंग सेंसर की लाइट कोई भी डिस्प्ले में नहीं आ रही, वो तब आएंगी जब आपके पीछे से कोई ऑब्जेक्ट गाड़ी के आ रहा होगा, तब वो शो होगी लाइट, उससे पहले लाइट वो शो नहीं होगी। अब देखो, ये जैसे आवाज़ आ रही थी ना, अभी हमको क्या करना, बस ये साइड को दबा के रखना और दूसरी साइड ऑटोमेटिकली आएगी। देखो, ऐसे पार्किंग लाइट अब शो होने लगी ना, क्योंकि इसने पीछे गेट को डिटेक्ट करना शुरू कर दिया। अब देखो, अब मैं सिंपल रिवर्स कर रहा हूँ, आगे गाड़ी भी खड़ी है, मेरे पास कोई स्पेस नहीं है, बस आपको अपनी साइड को दबा के रखना है। और मैं सिंगल क्लच पे उठा रहा हूँ गाड़ी को, रेस नहीं दे रहा, आराम आराम से। एसी भी ऑन है, ऐसा नहीं है कि एसी ऑन नहीं, एसी ऑन है भाई अपना फुल। और उस तरफ भी अपना ध्यान है कि कहीं गाड़ी लग ना जाए। इसको है ना, मेरे को करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, कम से कम 6-7 साल हो गए। पहले मैं अल्टो भी ऐसे ही लगाता था इसी घर में, रिवर्स करके, और स्विफ्ट डिजायर थी वो भी ऐसे ही लगाता था। अब देखो कैसे साउंड हो रहा है, कि डिटेक्ट कर रहा है, क्योंकि साइड के सेंसर्स है ना, वो दीवार के बिल्कुल पास चली गई गा रही है। अब एक गेट मैंने बाहर खोला हुआ है, एक अंदर खोला हुआ है, इस मेरे को गाड़ी इतनी बैक करनी है कि ये वाला गेट है ना खुल जाए। तो शायद अब हो जाएगी। देखें, चेक करें फ्रेंड्स, ये हमने गाड़ी यहाँ पार्क कर ली। पहले मैं यहाँ रियर में स्पेस दिखा देता हूँ आपको कि कितना बचा है। देखो फ्रेंड्स, इतना बचा है, ये पूरा डोर है ना यहाँ रहेगा, ये इतना स्पेस आ गया यहाँ से, और ये हमारा गाड़ी पार्क होगी पूरी। और ये जो गेट है जिसका मैं आपको बता रहा था घर का, ये देखो, ये भी पूरा पूरा आ गया। और इस वाले में गेट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो जब भी आप गाड़ी को टाइट पार्किंग स्पेस में पार्क करो, तो सबसे बड़ी चीज़ यही ध्यान में रखो कि सिर्फ क्लच पे ही रखो गाड़ी को, अलग से रेस मत दो। अलग से रेस दोगे तो पैनिक क्रिएट हो जाएगा। बहुत ही इजी इजी फेदर टच के साथ हमें चलना पड़ेगा इसमें, और आपकी गाड़ी आराम से पार्क हो जाएगी। तो यहाँ मेरी स्कूटी भी आ जाएगी और गाड़ी भी आ जाएगी, और ये गेट ऐसा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। तो इस टाइप से इसका पार्किंग का रहता है।